जय माकल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी सभी जोनों के रैली शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आप लोग को नोटिफिकेशन वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। सभी जोनों के नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आप लोग को वन बाय वन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी जोन 3 का रैली शेड्यूल। जी हाँ, जोन 3 का क्या रैली शेड्यूल है पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को जोन 1, जोन 2 और जोन 4 की जानकारी प्रोवाइड कराई है, आप लोग देख सकते हैं। जोन 1 यदि आप लोग आते हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़ और एनसीटी दिल्ली से, तो बिल्कुल आप लोग टेरिटोरियल आर्मी जोन 1 वाला वीडियो देखिए। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग को मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। जी हाँ, वहां पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जोन 1 की जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, क्या रैली शेड्यूल है। इसी प्रकार से जोन 2 की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दी गई। जोन 2 के अंतर्गत आप लोग की ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड आते हैं, ठीक है। तो जोन 2 के रैली शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दे दी गई है। इसी प्रकार से जोन 4 के रैली शेड्यूल की जानकारी भी आप लोग को दे दी गई है। जोन 4 के अंतर्गत आप लोग का राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप वगैरह आप लोग के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन स्टेटों से हैं, यूटी से हैं, तो बिल्कुल आप लोग मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। इसके अलावा जो अभी जो आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ टीए आर्मी, जी हाँ, जोन 3 की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जोन 3 के अंतर्गत मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अरुणाचल प्रदेश आप लोग के आते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लगेगी यदि आप लोग इन स्टेटों से आते हैं। तो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट है आप लोग का इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी, यहाँ पे बताया गया है टेरिटोरियल आर्मी यूनिट ऑर्गेनाइज 12 नवंबर से 26 नवंबर 2024 के बीच में आप लोग का रैली का शेड्यूल है जोन 3 वालों का, 12 नवंबर से 26 नवंबर। इसमें आप लोग की 107 इन्फेंट्री बटालियन, 113 इन्फेंट्री बटालियन, 119 इन्फेंट्री बटालियन और 121 इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत आप लोग की यहाँ पे भर्ती है। जी हाँ, वैकेंसी आप लोग को बता दी गई है। सोल्जर जीडी की 328, सेफ की 15, हाउसकीपर की 11, इसी प्रकार से वाशरमैन, टेलर, कुक, मेस, सेफ वगैरह, क्लर्क वगैरह की आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन की आप लोग की वैकेंसी है। तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं एरिया वाइज शेड्यूल आप लोग को बता दिया गया है। 12, 13, 14 नवंबर आप लोग का डोमिसाइल है सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार का, बिल्कुल। तो आप लोग की रैली यहाँ पे 12, 13, 14 नवंबर में है। लोकेशन आप लोग को बता दीजिए, 7 आसाम पुलिस बटालियन ग्राउंड, कोकराझार, आसाम, ठीक है। कोकराझार आसाम में जो है आपकी ये रैली है और डेट आप लोग को बता दी गई है और जगह की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। डोमिसाइल आपके पास कहाँ का होना चाहिए, 19 और 20 में कोकराझार, 21 में चिराग, ठीक है, 22 में आप लोग का बक्सा, इसी प्रकार से तमूलपुर, उदगली, ठीक है। ये पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। तो इन स्टेटों से आप लोग हैं और ये डिस्ट्रिक्ट आप लोग के जो है यहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, बिल्कुल आप लोग जो है एलिजिबल है। रिपोर्टिंग टाइम आप लोग को बता दिया गया है 5 बजे का और 12 से 26 नवंबर तक आप लोग का यहाँ पे प्रोसेस चलने वाला है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया 12 नवंबर नागालैंड, 13 नवंबर मिजोरम, 14 नवंबर मेघालय, 15 नवंबर में डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर आसाम स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट की जानकारी दी गई। 16 नवंबर 2024 6 डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल आसाम के, उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। इसी प्रकार से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो आसाम के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपर आसाम, सेंट्रल आसाम, लोअर आसाम, इनका जो लोकेशन है रैली का, ये आप लोग का मैसिमपुर मिलिट्री स्टेशन सिलचर आसाम में आप लोग की यहाँ पे रैली है। तो आप लोग देख लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कहाँ पे आपको जाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दे दिया गया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां भी आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। 5 बजे आप लोग को जो रिपोर्टिंग टाइम है, 12 से 26 नवंबर तक आप लोग की जो है यहाँ पे रैली चलने वाली है। इसके अलावा आप लोग की 176 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी नागा की डिटेल भी आप लोग को दी गई है, जो कि 12 से 26 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। इसमें आप लोग की कितनी वैकेंसी है जीडी में, ट्रेड्समैन में और क्लर्क में, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा 12, 13, 14 नवंबर जो आप लोग के स्टेट वगैरह है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई और लोकेशन आपका देखेंगे फिक पब्लिक ग्राउंड जखमा, लोकल ग्राउंड जखमा, ठीक है, तो ये आपका सेंटर है। इसके अलावा आप लोग को जो रिक्रूटमेंट रैली है 165 इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है, आसाम में, तो यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी की जानकारी दी गई है, जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क की पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप लोग का जो है डोमिसाइल दिया गया है, ये
इन जगहों का आप लोग का डोमिसाइल है बिल्कुल, और डेट और टाइम वगैरह आपको बता दिया, लोकेशन आप लोग को बता दिया गया है जो कि आप लोग का सेक्टर 27 आसाम राइफल, ठीक है। इसी प्रकार से पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लोकेशन की दे दी गई है, तो आप लोग इन जगहों से हैं, डोमिसाइल है तो बिल्कुल आप लोग अपने सेंटर पे पहुंचिए। इसी प्रकार से आप लोग का 166 इन्फेंट्री बटालियन आसाम की भी डिटेल आप लोग को यहां पे दी गई है, कितनी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है जीडी ट्रेड्समैन और क्लर्क के अंतर्गत। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। डेटा आप लोग को बता दिया गया है और डोमिसाइल एरिया कहाँ का डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए और लोकेशन आप लोग को बता दिया गया, किस लोकेशन पे आप लोग को पहुंचना है। एज आप लोग की 18 से 42 साल है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो सोल्जर जीडी के लिए आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए, लेकिन एग्री ग्रेड आप लोग के 45% मार्क्स होने ही चाहिए और सभी सब्जेक्टों में ईच सब्जेक्ट 33% मार्क्स भी आप लोग के पास होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आप लोग 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, 60% मार्क्स आप लोग के पास होने चाहिए। फिर चाहे आप लोगों ने 12th आर्ट से करी हो, कॉमर्स से करी हो, साइंस से करी हो, और 50% ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट बुक कीपिंग में आप लोग की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से सोल्जर ट्रेडमैन 10th क्लास पास और 8th क्लास पास दोनों की डिटेल आप लोग को दी गई है। यहाँ पे आप लोग के एग्रीगेट जी या सभी सब्जेक्टों में ईच सब्जेक्ट 33% होने ही चाहिए, फिर आप लोग 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर 8th पास के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। चलिए इसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है, यदि आप लोग जॉब वगैरह में हैं, CAPF वगैरह में, तो उसके लिए आप लोग को परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, कोई रिजर्व लाइबिलिटी आप लोग के पास ना हो और कोई इसके अलावा जो है मोर देन वन वाइफ वगैरह ना हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपकी इस रिक्रूटमेंट के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ, जोन 3 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट है इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, 157 उस केस में है यदि आप लोग के पास डोमिसाइल है ईस्टर्न हिमालय रीजन सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग किमोफली डिस्ट्रिक्ट इंडियन डोमिसाइल गोरखा गढ़वाली और लद्दाखी। चेस्ट आप लोग का 82 सेंटीमीटर और बिना फुल ऑफ 77 आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग सन ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन वार विडो वगैरह हैं तो 2 सेंटीमीटर हाइट में वेट में 2 केजी और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का बेनिफिट आप लोग को मिलता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो 3 सेंटीमीटर हाइट में 3 केजी वेट में 3 सेंटीमीटर चेस्ट में आप लोग को बेनिफिट मिलता है। फिजिकल के बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला। कलर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को आईटी से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप लोग के पास होते हैं हार्डवेयर की जानकारी टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ट्रेड से रिलेटेड जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, और मेडिकल भी आप लोग का होने वाला है तो मेडिकल की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। इसके अलावा आप लोग का फिजिकल में रनिंग भी होती है, ध्यान रखिएगा, जी हाँ, 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग होती है, पुलअप होती है, बैलेंस 9 फीट डिच आप लोग का होता है, तो रनिंग की जानकारी दी जाए। 1600 मीटर की रनिंग आपकी एज 18 से 30 साल है तो 5 मिनट 30 सेकंड का समय लेते हैं तो 60 मार्क्स मिलेंगे, 5:31 से 45 का समय लेते हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे, और 5:46 या उससे ज्यादा का समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 31 से 42 की एज ग्रुप में है आप लोग तो 6:153 में लेते हैं आप लोग 1600 मीटर की रनिंग में, 60 मार्क्स मिलेंगे, 6:16 से 6:30 का समय लेते हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 6:31 उससे ज्यादा समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। पुलअप की जानकारी दी गई 18 से 30 एज ग्रुप में, 31 से 42 एज ग्रुप में आते हैं तो कितने कितने पुलअप आप लोग करेंगे तो कितने कितने मार्क्स आप लोग को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैलेंस एंड 9 फीट डिच इसके कोई मार्क्स आपको मिलने नहीं है, कोई आपको क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, जो भी स्टूडेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट वगैरह क्लियर करेगा उसको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, रिटर्न एग्जाम की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिल जाएगी। रिटर्न एग्जाम आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, और 2 घंटे का आप लोग का पेपर है यहाँ पे, जी हाँ, 2 घंटे का पेपर है। सोल्जर जीडी की जानकारी आप लोग को दी गई है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, सोल्जर कलर का भी आप लोग को 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। पैटर्न की जानकारी आप लोग को दी गई, देख सकते हैं आप लोग, जीडी 10th पास, यहाँ पे जीके साइंस और मैथ आप लोग की आने वाली 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 32 मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग के हैं। इसी प्रकार से आप लोग का ट्रेड्समैन 10th पास के लिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 32 मिनिमम पासिंग मार्क्स है आप लोग के, और ट्रेड्समैन 8th के लिए 32 मिनिमम पासिंग मार्क्स है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। सोल्जर क्लर्क में भी आप लोग का 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है और 20 नंबर आप लोग के जो होने चाहिए यानी कि मिनिमम। चलिए इसके बाद जो आप लोग को बताया गया है रिटर्न के लिए, मैंने आप लोग को बता दिया है, आपको ज्वाइंट टेरिटोरी आर्मी की वेबसाइट पे आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए होगा जिस बेस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 10th 12th जो भी है, ठीक है,
इसके अलावा आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर के जाने पड़ेंगे। जी हाँ, ओरिजिनल और दो दो फोटोकॉपी रख लेंगे। इसके अलावा 20 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप लोग अपने पास रख लेंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह आप लोग को चाहिए होगा, फोटोग्राफ मैंने आप लोग को बता दिया, 20 कॉपी आप लोग को चाहिए। बस यही इन्फॉर्मेशन है जो उनकी जानकारी आप लोग को दे दी गई है। तो इसके अलावा भी आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है, वीडियो अकाउंट बहुत कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान फिर लेकूंगा यदि चैनल चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।